बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ गोप गुट के बैनर तले औरंगाबाद के जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा अधिकारियों के तानाशाही रवैये के खिलाफ शिक्षकों का आमरण अनशन आज तीसरे दिन भी जारी रहा। अनशन कर रहे शिक्षकों ने बताया कि डीओ कार्यालय में घूसखोरी इस हद तक चरम पर है कि शिक्षकों का कोई भी काम बगैर पैसे के नहीं होता। उन्होंने बताया कि हम लोगों की समस्याओं को दूर करने को लेकर कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। हमें अभी तक सिर्फ आश्वासन ही दिया जा रहा है, मगर हमें हो रही परेशानियों को कोई नहीं समझ रहा। यही वजह है कि लाचार होकर शिक्षक अब आमरण अनशन पर बैठे हैं, और जब तक हमारी 13 सूत्री मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तब तक हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। इस कार्यालय से रिश्वतखोरी इतना बढ़ा हुआ है कि शिक्षकों का जो एरियर निकालना है वो जो पैसा दे रहे हैं, 10 आदमी पैसा दे रहा है, 10 आदमी का लिस्ट निकाल दिया जा रहा है, 5 आदमी दे रहा है, 5 आदमी का लिस्ट निकाल दिया जा रहा है। एक मुफ्त आदेश, जबकि सरकार के तरफ से आदेश है कि सभी शिक्षकों को बकाया वेतन भुगतान किया जाए, एरियर का भुगतान किया जाए, उसके बावजूद भी पैसा लेकर के खुलेआम यहाँ रिश्वत का बाजार चल रहा है। और जो शिक्षक लड़ाई लड़ रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, उनको निलंबन का जो है धमकी दे करके अभी हमारे जिला सचिव गोपाल प्रसाद गुप्ता को निलंबित 2 बार निलंबित किया गया, जबकि कोई कारण नहीं है, बिना स्पष्टीकरण मांगे हुए उनको निलंबित किया गया। तो इससे साफ जाहिर है कि यहाँ के जो पदाधिकारी हैं तानाशाही रवैया रखते हैं और इनको राजनीति संरक्षण प्राप्त है। ये कहते हैं कि हमको जो बुझाएगा वही हम करेंगे, आपका काम बिना पैसा लिए हम नहीं करेंगे। तो हम लोग ईमानदारी से काम करते हैं, विद्यालय में बच्चों को पढ़ाते हैं, मैं अपना वेतन निकालने के लिए रिश्वत क्यों दूँ? जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में शिक्षक समस्या काफ़ी दिनों से लंबित है। इन समस्याओं के समाधान के लिए हम लोगों ने लगभग 1 साल से विभिन्न स्तरों पर प्रयास किया। 3 बार जिला पदाधिकारी ने शिष्टमंडल वार्ता के लिए समय निर्धारित किया, लेकिन 3 बार वार्ता नहीं हुआ। उसके बाद ये जो उच्च योग्यताधारी शिक्षकों का जो नियुक्ति तिथि से जो कालवश प्रति का जो पत्र है वो सबका निर्गत नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी चीज़ें हैं कि सेवा संपुष्टि के लिए लगभग 1 साल पहले आवेदन ले लिया गया और आज तक उसका आदेश निर्गत नहीं किया गया। और इस समाधान के लिए हमने कई बार प्रयास किया, आश्वासन के अलावे हमें कुछ नहीं मिला। शिक्षक बिहार जिला के शिक्षकों ने आमरण अनशन पर बैठने का निर्णय लिया और आज आमरण अनशन पर आज 3रा दिन है। यह आमरण अनशन तब तक चलता रहेगा जब तक हमारी मांगों को पूरा न करें।